कहते हैं नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो ना रिश्तेदार दिखाई देते हैं, ना दोस्ती और ना ही कोई अन्य संबंध। हिमाचल के ऊना में एक कातिलाना वारदात इसी वानगी की कहानी कहती है। वारदात इस कदर खौफनाक थी, इसमें रिश्तों और संबंधों का ही कत्ल हो गया। रात के अंधेरे में दिल दहलाने देने वाली इस वारदात में एक प्रवासी व्यक्ति ने अपने ही साथियों पर कातिलाना हमला किया। हमला कुछ इतना अचानक हुआ कि हमले में उसके एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसके चार साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके वारदात से जो सबूत इकट्ठा किए उसके मुताबिक इस वारदात में दराज जैसे धारदार हथियार का प्रयोग किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं लग सका है। ऊना के SP अरिजीत सेन ठाकुर ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही हत्या के कारणों का पता भी लगाया जाएगा। हमको रात मतलब अर्ली मॉर्निंग पिछले कल 3:30 बजे के आसपास जो है इन्फॉर्मेशन मिली कि एक प्रवासी व्यक्ति जो उस गांव में रहता था भटेड़ा, लोअर भटेड़ा, वहां पे उसने कुछ लोगों पे अटैक किया है। मौके पे पुलिस गई और वहां पे कोई प्रेजेंट नहीं था, जितने भी इंजर्ड लोग थे वो हॉस्पिटल में थे। एक व्यक्ति जो है जिन पे जो ये इस तरह के जिसने ये अटैक किया था उसको जो है गांव वालों ने खुद अपने आप पहले ही काबू में उसको ले आए थे और उसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। जब हमने तफ्तीश की और ज़्यादा छानबीन की तो उससे पता चला कि एक व्यक्ति प्रवासी 63 वर्ष का, इसका नाम शंकर है, वो वहाँ पे अपने कुछ साथी जो लेबर का काम करते हैं प्रवासी मजदूर 4 लोग उनके साथ रह रहा था और रात को उनका किसी कारण से झगड़ा हुआ और इसने जो है उन पे अटैक किया और उनमें से 3 लोगों को उसने इंजर किया और एक की जो है इसे मृत्यु हो गई। जो 3 लोग हैं उनमें से 2 व्यक्ति RH ऊना से PJ रेफ़र किए गए हैं अभी और उनकी अभी तक तो हालत खतरे से बाहर बता रहे हैं और उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो है वो अभी ठीक है, उसको कोई इंजरी नहीं है। रात को ही जब ये इंसिडेंट हुआ तो जो जिस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने जो है मारने की कोशिश की और मारा उस लोगों को, वो एक लोकल गांव में भी घुस गया किसी को ढूंढते ढूंढते और वहां पे उसने एक महिला और उसकी बेटी पे भी, 14 वर्षीय बेटी पे भी अटैक किया। वो सो रहे थे अपनी छत के ऊपर तो बेटी पे भी उसने अटैक किया। वो दोनों भी फिलहाल अभी तक जानकारी के हिसाब से अभी खतरे से बाहर हैं। हालांकि जो 14 साल की बच्ची है वो भी PGI में अभी प्रेजेंट है। तो हमने जो ये 63 वर्षीय शंकर, जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, बिहार का जो रहने वाला है, उसको अरेस्ट कर लिया है और मामला हमने रजिस्टर करके अब इसमें तफ्तीश हमारी कंटिन्यू। सर किस वेपन का इसमें इस्तेमाल किया गया? अभी ये हम वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अदरवाइज जो इंजरीज की जो मेडिकल आएगी उससे और क्लियर कर पाएंगे, बट इसमें हमको लग रहा है कि एक सीजर, सॉरी अपना दराटी इसको बोलते हैं, सिकल, उसका यूज़ किया है और शायद इसमें पत्थर से भी इसने चोटें पहुँचाने की कोशिश की है। तो वो हम अभी इसमें मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद, मोटिव सर बताया, ये मोटिव अभी क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वैसे तो ये व्यक्ति 1.5 साल से यहाँ पे है, इसके परिवार में इसके 3 बच्चे हैं जो कि यहीं मतलब हम ऊना में ही रहते हैं, तो उनको भी एसोसिएट किया है। बाकी जो 2 लोग इंजर्ड हैं जो PJ रेफर्ड हैं उनसे भी थोड़ा सा